भाई मेरे से झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं। आज मैं जा रही हूँ एक ऐसी जगह पे जो काफी फेमस है, बहुत अच्छी, बहुत स्पेशल नहीं कह सकते हूँ, बट एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हर कोई जानता है जो दुबई, शारजाह, अजमान कहीं भी रहता है। निकले थे तब तक पेट्रोल खत्म हो गया क्योंकि दीपक इतना घूमते हैं। आपके कार्ड से डलवाऊं अपने कार्ड से? नहीं, अपने कार्ड से डलवाऊं? नहीं, मैं आपके कार्ड, हमेशा मैं ही पेट्रोल डलवाती हूँ। आज आप घूमने जा रहे हो ना, तो आप कायन के कार्ड से पेट्रोल डलवाते हो, हमेशा मैं ही पेट्रोल डलवाती हूँ। लड़की होती बेचारी पेट्रोल डलवाती है। ये देखो, ये है यहाँ का पेट्रोल पंप। अंजू पेमेंट कर रही है कार्ड से, अभी वो रिसिप्ट देंगे भाई। कितने का पेट्रोल पड़ा वैसे अंजू? 192 का। सिर्फ 92, क्योंकि अभी हमारे गाड़ी में 10 लीटर का पेट्रोल है और ये 92 ग्राम आते हैं, तुरंत पर्ची फाड़ देती है। 92 ग्राम का पेट्रोल है अभी। 92 ग्राम का मतलब एक से दो दिन चल जाएगा और ये मतलब अराउंड 2000 का पेट्रोल है। 2000 रुपीज का पेट्रोल दो दिन चलता है हमारा। तो दोस्तों, आज एक गेम खेलने जा रहे हैं जो हम बचपन में खेलते थे। मैं नहीं खेलती, मतलब अंजू के गांव में होता था ऐसा, ठीक है? और वो गेम कैसा है देखो, मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस, इसका गेम मेरे को बता चुके आप, मुझे नहीं खेलना। सुनो सुनो, देखो उस गेम का क्या, ऐसे बोलना साई सोपुर सब, व्हाट इज दिस, मतलब मुंह बंद करके रखना है और खेलते थे। नहीं नहीं, मुंह बंद करके रखना है, दांत नहीं दिखाना। अगर जिसका सब करने के बाद मुंह बंद रहेगा, दांत नहीं दिखेगा। अगर जिसका दांत दिखेगा वो समझो हार गया, वो 100 रुपए देगा। मैं क्यों अंजू खेलूंगी? अंजू स्टार्ट, चलो स्टार्ट, बोलो साई। अंजू मैं बोलता हूँ, तुम मुंह बंद कर लेना सब पे। अंजू ने दांत दिखा दिया, मतलब 100 ग्राम की बात रहेगी तो अंजू दांत नहीं दिखाएगी। अंजू मानता हूँ तुम डेली ब्रश नहीं करती है, पर दिखा सकती है अपना दांत। चलो 100 ग्राम निकालो पहले। तो फाइनली मस्ती करते करते हम पहुंच गए रोला। रोला देख के आपको एकदम दिल्ली गुड़गांव की याद आ जाएगी, ऐसा दिखता है, मुझे तो ऐसे ही लगा। बाकी अंदर आ गई मैं दुकान में आती, सबसे पहले मैंने चेंज कर लिया क्योंकि यहाँ पे इनका प्रमोशन करना था और इनको अपने सूट में ही, अपने मतलब दुकान के सूट में ही प्रमोशन करवाना होता है। तो देखो मैंने पहन लिया, यहाँ पे बहुत सारे लोग ले भी रहे हैं, ईद आ रही है ना तो इसलिए काफी भीड़ भी चल रही है। कुछ बेस्कोट वगैरह उठा के देखे मैंने क्योंकि वीडियोज बनाने थे बच्चों के कपड़ों के, और जो भी मेंस के कलेक्शन थे पूरे यहाँ पे ऊपर जो है पूरे मेंस के कलेक्शन है। फिर मैं नीचे आ गई क्योंकि सूट का भी कुछ वीडियो बनाना था, तो सूट कुछ अच्छे अच्छे निकलवाए मैंने, जो भी पार्टी वेयर के और कुछ नॉर्मल जो डेली वेयर के सूट यूज होते हैं, अलग अलग कलेक्शन थे इनके पास, वो सारा देखा। फिर आ गई मैं इनकी दूसरी ब्रांच पे क्योंकि इनकी बगल बगल में दो शॉप है, दोनों जगह पे जाना था और यहाँ पे मैंने पहन लिया दूसरा सूट क्योंकि दूसरी जगह का दूसरे सूट में वीडियो बनाना था। मैं आ गई अंदर, यहाँ पे देख सकते हो 70-70 दिराम के लगे हुए हैं। देखो ये भी ले रही थी, 70-70 दिराम के बहुत सारे सूट लगे हुए हैं और बहुत सिंपल में बिल्कुल जैसे कॉटन में डेली वेयर के होते हैं ना उस तरह के हैं। ये देखते देखते मेरी ध्यान गया कि यार यहाँ 50-50 दिराम के भी सूट लगे हुए हैं। 70 दिराम वाले तो कलेक्शन है भी, मैं चली गई 50 दिराम के साइड। देखो 50 दिराम में भी बहुत प्यारे प्यारे सूट लगे हैं, जैसे आप डेली वेयर में पहनते हो ना। पार्टी वेयर वाले थोड़े महंगे, बट डेली वेयर के बिल्कुल परफेक्ट हैं। 50 दिराम में यार कहीं भी नहीं मिलेगा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा ये वाला सूट, मैंने सोचा यार ये तो मैं ले ही लूंगी। मैंने इसकी चुन्नी उतारी और अपने ऊपर ओढ़ के देखा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और उसके बाद मैंने देखा दीपक का भी, कुछ देख लेते हैं यार, दीपक उधर साइड में खड़े थे। फिर मैं आ गई, दीपक का कुर्ता ट्राई करवाया क्योंकि ये चिकन कढ़ाई वाला कुर्ता लगा हुआ था वहाँ डमी में ही, मुझे बहुत पसंद आ गया था। यहाँ पे और लोग भी ले रहे हैं, ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। और इनके पास एक ये वैसे बेस कोट बोलते हैं, ये प्रिंस कोट बोल रहे थे उसको, तो ये प्रिंस कोट लगा हुआ, देखो डमी में लगा हुआ था, यही वाला लिया। मस्ती करते करते हमारी हो गई शॉपिंग, मैंने और दीपक ने दोनों ने ले लिया। तो गाइस ये कम्प्लीट हो गई हमारी शॉपिंग, हमारा ब्लॉग सब। ये देखो मैंने दीपक का कपड़ा पहन रखा है, और पहन नहीं रखा मतलब ले रखा है, दीपक ने मेरा उठा रखा है क्योंकि मेरा ज्यादा हैवी है तो मैंने पकड़ा दिया दीपक को, पकड़ के चलो। को गाड़ी का मालूम नहीं, अंजू भागती जा रही आगे। मेरा कपड़ा दिखा दो पहले, जल्दी गाड़ी का भागती जा रही हूँ, बोल रहे कहाँ गया। ये देखो मैंने ये कपड़ा ले लिया, कपड़े के साथ ये दीपक का है, जूस तो मैंने पी लिया अपना, वो आपका है।